ये लड़ाई पिछले 9 साल से हम लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं। 2004 में जब ये हादसा हुआ था तब से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि जो भी हादसा हुआ, जो मेरी बहन के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, मेरी बहन का कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि मेरी बहन कैसी थी और वो क्या करती थी, दिन भर उनका रूटीन क्या था। इतना गलत जो इल्जाम उन पे लगाया गया है आतंकवाद का, और हर जगह हर चैनल पे दिखाया जा रहा है ईशा जहां आतंकवाद थी नहीं थी। तो एक लड़की जिस जो अपने पूरे परिवार को संभालती है, जिसके पर पूरी जिम्मेदारी है, जिसके पापा का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके घर का। वो खुद BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट। मेरे हिसाब से सब लोग जानते हैं कि साइंस पढ़ने के लिए बहुत टाइम होता है। रेगुलर कॉलेज जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकल करना होता है, प्रैक्टिकल के लिए वक्त जरूरत होती है। आधा दिन का ज्यादातर आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कॉलेज और पढ़ने में चला जाता है। क्योंकि मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, मेरे घर में उस वक्त कोई कमाने वाला नहीं था। मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी, वो फर्स्ट क्लास से जितना भी पढ़ी हमेशा फर्स्ट सेकेंड रैंक ही उनका आया, इसीलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का काम स्टार्ट किया था। ट्यूशन वो मेरे पापा की जिंदगी से ही पढ़ाती थी क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरे पापा का पहले तबीयत थोड़ी खराब थी तो हम लोग की माली हालत थोड़ी खराब हो गई थी, इसी वजह से वो पापा के जमाने से ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन पापा के डेथ के बाद उनपे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का काम और ज्यादा शुरू कर दिया। जब वो कॉलेज से आती थी 3 बजे, 3:30 बजे म्युनिसिपल के कुछ 20 बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो म्युनिसिपल में उस वक्त स्कीम था कि कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था। वो म्युनिसिपल के बच्चों को पढ़ाती थी 2 घंटा 4 से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद वो प्राइवेट ट्यूशन करती थी 6 से लेकर 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक। उसके बाद वो खुद पढ़ती थी, खुद अपने भाई बहन को पढ़ाया करती थी। ये उनकी दिन भर की रूटीन थी। जो लड़की अपने ट्यूशन के बच्चों को नहीं मारती थी, जो लड़की एक मामूली कॉकरोच से डर जाती थी, छिपकली से डर जाती थी, उठ के पलंग पर बैठ जाती थी, वो किसी को मारने कैसे जा सकती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिसके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं, हमेशा ये सवाल उठता है कि वो जावेद शेख से कैसे मिली, क्यों गई। आप सबको बता दें कि जब अप्रैल में सब बच्चे आना बंद हो जाते हैं, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है कुछ भी, तो वो लड़की जॉब ढूंढती है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है। जॉब के सिलसिले में अगर वो काम करने जाती है तो क्या उसको मार दिया जाए? क्या दुनिया में सब लोग काम करने जाते हैं तो क्या उनको मार दिया जाता है? जावेद से कैसे मिली? एक लड़का हम लोग के एरिया का रहता था, पहचान थी, वो आके बोला कि ईशा तुमको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो वो जावेद से मिलाता है। तो वो जावेद बोलते हैं कि तुमको परफ्यूम वगैरह का काम करना पड़ेगा, इसलिए वो उनको एक बार बुलाते हैं। वो आउट ऑफ बाहर में जाना पड़ता है, लेकिन जावेद का कहना था कि PDO ऑफिस अभी सेटअप नहीं हुई है, तो इसीलिए वो अभी सेट कर रहे हैं। इसीलिए वो क्योंकि उनका मैथ और साइंस बहुत अच्छा था, इसीलिए वो उनको सिर्फ मैथ और मतलब बोलते थे कि बिना इतना काम सेल हुआ है तुम डायरी में लिख दो। तो आप ही उनसे पूछती भी थी कि सर आपका क्या काम है, तो बोले मैं सेट कर रहा हूँ, ऑफिस सेट हो जाएगा मैं तुमको बता दूंगा। इस सिलसिले में वो 2 बार उनके साथ काम करने गई थी, 3री बार गई तो कभी वापस नहीं आई। क्या कोई हमेशा ये क्वेश्चन उठता है, हमेशा ये बोला जाता है कि वो क्या करने गई थी? क्या कोई लड़की काम करे उसको मार दिया जाए? आज हम लोग 9 साल से ये कलंक अपने ऊपर झेल रहे हैं। कैसे उनके जाने के बाद जो उस लोगों ने पुलिस से इल्जाम लगा दिया मेरी बहन पे कि वो आतंकवाद थी, उसका असर हम लोग की जिंदगी में क्या हुआ? हम लोग का पूरा ख्वाब चकना चूर हो गया। कोई भाई बहन मेरे सही से आज तक पढ़ नहीं सके, ये कलंक के साथ आज तक हम लोग जी रहे हैं। क्यों हमेशा ये सवाल उठता है वो आतंकवाद थी कि नहीं? हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन आज हम नहीं, आज ये कानून कह रहा है, आज ये SIT की रिपोर्ट कह रही है, आज ये CBI की रिपोर्ट कह रही है कि मेरी बहन को कोई लिंक नहीं था आतंकवाद से, फिर भी ये सवाल हमेशा उठता है क्यों? आज ये हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी, हम लोग के तो ख्वाब चकना चूर हो गए। जो दर्द हम लोग बर्दाश्त करें
वो कोई हिंदुस्तान की कोई और लड़की कोई और औरत ना किसी और के साथ ना हो सके, इसलिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमेशा ये देखा जाता है क्यों मेरे हम लोग मुसलमान हैं इसलिए उनको मार दिया जाता है क्या? हम लोग गड़े मुसलमान इसलिए हमेशा आतंकवाद गड़े मुसलमान होना मतलब एक गुनाह है? ऐसा तो भारत के यहाँ तो कोई ऐसे कानून नहीं है। हमेशा मुसलमान को ये साबित क्यों करना पड़ता है कि उनका आतंकवाद से कोई लिंक नहीं है? क्यों ऐसा तो यहाँ नहीं है, फिर क्यों हमेशा हम लोग को सबूत देना पड़ता है? जो लड़की एक महीना से जावेद शेख सिंह ने दो बार काम करने गई उस पर ये बार बार इल्जाम लगा, ऐसा कोई इसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं। हम लोग नहीं प्रिंसिपल कहते हैं कि वो कभी एब्सेंट नहीं रही स्कूल पढ़ी और कभी एब्सेंट नहीं रही। जो लड़की कभी एब्सेंट नहीं रह सकती वो उस पर इतना बड़ा गंदा इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? हम तो सबसे पूछ रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि जो लड़की कभी कहीं नहीं गई कोई रिकॉर्ड खराब नहीं उस पर क्यों हमेशा ये इल्जाम लगाया जाता है? क्या आज कोई लड़की बाहर जाती है तो क्या वो सेफ है? मेरे हिसाब से नहीं सेफ है। ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है जी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में जो इनको लगा कि हम लोग के साथ गलत हुआ तो वो हम लोग का साथ दे रहे हैं। हम लोग की वकील वृंदा गोबा वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो शुरू से हम लोग का साथ दे रही है। जो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं जितन अवार्ड वो मुस्लिम नहीं है। मुन्ना भाई रॉबर्ट अलान को तो शुरू से हम लोग के साथ है क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, वो जानते हैं, इसलिए हम लोग के साथ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहन के साथ हो वो किसी और के साथ ना हो, और जितने भी लोग इसमें शामिल है चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, उन लोगों को सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि जो हादसा मेरी बहन के साथ हो, जो दुख तकलीफ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं वो देश का कोई व्यक्ति ना बर्दाश्त कर सके। और मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है।